आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आते रहते हैं और इसको हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे कैसे हम बोलते हैं कि जन्म स्थान, किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, तो हम बोलते हैं कि नहीं, कोई गांव का, शहर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वहां जन्म स्थान है। ठीक उसी तरह से ये जन्म स्थान तो नहीं, बल्कि जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से उसको उच्चरित किया जाता है, उसको उच्चारित किया जाता है वर्णों को। यानी कि एक खास जगह होता है जहाँ से वह उस वर्ण की ध्वनि निकलती है और उसी जगह को, उसी स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कह देते हैं या कहा जाता है। कहने का अर्थ कि जो आप ये देख रहे हैं, ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है, लिखे हुए हैं, तो ये जो स्वर वर्ण है, जिस जगह से इनको उच्चारित किया जाएगा उस जगह को इस वर्ण का या किसी भी वर्ण का, जहाँ से वो उच्चारित होता है वह स्थान उस वर्ण के लिए उच्चारण स्थान कहलाएगा। और ये उच्चारण स्थान अलग अलग वर्णों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसको और चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण में ही देख लेते हैं। स्वर वर्ण तो देखिए, अ अ है। इससे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से जो है उच्चारण स्थान है, तो देखते हैं। नीचे से अगर ये कहा जाए, जो हम लोग ये जो कंठ कहते हैं, गांव घर में भी अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा बोलता है तो लोग कहते हैं कि इसका कंठ ज़्यादा फूट गया है। कम ही उम्र में अगर कुछ ज़्यादा बोलने लगे या एक्स्ट्रा बोलने लगे तो लोग बोलते हैं कि कंठ उसका फूट गया है। कंठ को स्वर यंत्र भी कहते हैं। तो अगर नीचे से देखा जाए, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से देखें, सॉरी, तो कंठ से ऊपर चलें, तालु से ऊपर चलें, मूर्धा से ऊपर चलें, ऐसे आप देखेंगे। तो जैसे ऊपर अगर हम चलते हैं तो दंत है, दंत या दांत कह लीजिए, उससे ऊपर अगर चलें तो ओष्ठ है, इससे ऊपर चलें तो नाक है, नासिका, इसको आप नासिका कर लें। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ये जो मूर्धा है इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा हो गया इसलिए दिक्कत हो रहा होगा आपको देखने में, इस तरह से आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। आधा द और पूरा जब ध होता है तो ये दो जो व्यंजन है मिलेंगे इस तरह से, तो इसी को जब हम लिखते हैं द और इसी में इस तरह से लगा देते हैं ध, यानी कि पूरा ध है और आधा द है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यही उच्चारण स्थान है। और इन्हीं में से कहीं ना कहीं ये सबको उच्चरित होगा, मतलब जो कोई भी वर्ण है इन्हीं 6 में से कहीं इनका उच्चारण स्थान होगा। तो हम देखते हैं, अब देखिए अ बोलेंगे और अनुभव करेंगे। हम अपने विद्यार्थियों को ये सलाह देंगे कि जब भी आप
बोलते हैं वर्णों को तो अनुभव कीजिए, रटना नहीं है बल्कि उसको अनुभव करना है। अ तो यहाँ देखेंगे कि जो कंठ है यहाँ से ध्वनि निकल रही है, आप इस तरह से समझें कि जब भी हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो फेफड़े से जो वायु निकलती है तो कंठ से होते हुए क्रमशः तालु मूर्धा दंत ओष्ठ इस तरह से निकलती है बाहर, और उसके स्पर्श से या उसके सहयोग से उच्चारण होता है। मतलब वायु का सहयोग रहता है और इसमें जीभ का भी सहयोग रहता है, लेकिन जीभ कोई उच्चारण स्थान नहीं है, उसका हम सिर्फ मदद लेते हैं, एक उत्प्रेरक के रूप में वो काम करता है। जीभ कोई उच्चारण स्थान नहीं है पर उसकी सहायता ली जाती है। तो ये देखेंगे, तो ये देखिए अ कंठ, और अ जोड़ अ मिलाने से ही बना है आ। अ अ बोल रहा है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ, अ और अ को मिलाने से ही बना है आ, इसलिए आ का भी उच्चारण स्थान होगा कंठ। ठीक है, तो ये दोनों तो हम जान गए कि ये दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, कंठ। ये जो देख रहे हैं ई, आप बोल के देखिए हमारे मुख में दो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो है वो गति नहीं करता है, निचली जबड़ा गति करता है। आपकी जीभ जब ऊपर की ओर टच करेगी ऊपर वाली सतह को तो उस भाग को मूर्धा समझिए, और जीभ के ठीक नीचे वाला जो सतह है आप उसको तालु मान लें, आपको आसानी होगी उच्चारण स्थान को पकड़ने में। तो कंठ समझ ही रहे हैं, तालु समझ गए, मूर्धा दंत जान ही रहे हैं, दांत। दांत क्या है कि जैसे जीभ आपकी दांत में टच करेगी तो उसका जो वर्ण उस तरह से उच्चारित होगा उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। ओष्ठ हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं अपना ओठ, और नासिका यानी नाक जिसका उच्चारण नाक से होगा। तो ये तो हम समझ लिए। तो देखिए ई, ई आप जब बोलेंगे तो जीभ पर ध्यान देंगे अपने, ई ई तो आपका जो जीभ है नीचे की ओर हल्का पुश करेगा, तो नीचे वाला जो है जीभ के आप निचला तले समझिए, तो ये वास्तव में तालु है और इसका उच्चारण स्थान तालु होगा इन दोनों का। क्यों, हम एक भी याद रखें तो भी काम चलेगा, याद नहीं रखना है बल्कि समझना है इस चीज को। अब ये हम जान गए ई, तो ई और ई मिल करके यानी कि हरस्वी मिल करके बना दीर्घी, तो इसका भी उच्चारण स्थान तालु ही होगा, इसलिए इसको अलग से नहीं ध्यान में रखना है। अब ये देखेंगे ऊ, ऊ बोल रहे हैं ऊ, तो देख रहे हैं कि यहाँ ओठ जो है ओठ के सहारे इसको हम उच्चारित कर रहे हैं ऊ। ऊ बोलने से क्या है कि हमारे जो ओठ का जो भाग है इस तरह से बोलने पे इस तरह की आकृति बनती है, गोलाकार आकृति बनती है ऊ, ओष्ठ की हरकत है उसके वजह से हम लोग बोल पाते हैं। बिना इस आकृति में लाए हुए आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो हरस्व का उच्चारण ओष्ठ है, और हरस्व मिल के ही बना है दीर्घ उ, तो दीर्घ उ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होगा। देखिए री, री बोलेंगे तो आपका जो जीभ है बोल के देखिए री, तो जीभ का जो आगे वाला भाग है वो मूर्धा में टच करेगा दांत से ठीक थोड़ा पहले ऊपर की ओर, तो ये हो जाएंगे मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा। अब देखेंगे ए आय, तो देखिए आय हम ऐसे करेंगे, ए बना है अ जोड़ ई से, अ जोड़ ई से बना है ए। पहले हम ए को ही देखते हैं,
तो देखिए अ और ई है, तो हम देख रहे हैं कि अ का उच्चारण स्थान हम लोग जाने हैं यहाँ, अ का उच्चारण स्थान अ कंठ, तो अ का उच्चारण तो हो गया कंठ, और ये जो ई है अभी हम लोग जाने ई, ई बोलते हैं तो जीभ जो है नीचे की ओर पुश करती है, तो ए है तालु। ए तो हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, कंठ तालु बोलेंगे इसको। अब चलेंगे अय में, अय का जो उच्चारण स्थान क्या होगा इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, इसको लिख देंगे अ जोड़ ए, अ जोड़े, तो अ देख रहे हैं हम लोग यहाँ जाना कि अ यानी कंठ, अ इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये तो कंठ हो गया, और ये जो ए है अभी हमने जाना कि इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, कंठ प्लस तालु। हम ये देख रहे हैं कि एक कंठ तो इसमें कॉमन है ही, तो इसका उच्चारण भी अय का उच्चारण भी कंठ और तालु ही होगा। अय जीभ को देखिएगा तो जीभ जो है तालु का सहारा ले रहा है प्लस में कंठ, तो इस तरह से हमने देखा कि ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। अब चलेंगे ओ और अ में, देखते हैं, याद नहीं करेंगे बल्कि इसको इस रूप में हम समझेंगे कि ओ जो है ओ को हम लिखेंगे अ जोड़ उ, अ जोड़ उ ओ, या आप कह सकते हैं इसको आ जोड़ उ, कोई उ भी लिख सकते हैं, ह्रस्व उ या दीर्घ उ चलेगा, यहां भी एक और लिख सकते हैं आ जोड़ या अजोड़ दीर्घ, देख रहे हैं। तो देखेंगे कि अ हो चाहे आ हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ह्रस्व का उच्चारण या दीर्घ का उच्चारण ओष्ठ है, तो हम इसको लिखेंगे ओ का उच्चारण स्थान में अ हो जाएगा कंठ और उ हो जाएगा ओष्ठ। ध्यान देंगे कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ है, और इसको हम मिटा रहे हैं कंठ ओष्ठ, देखिए कंठ और ओष्ठ, कंठ ठ ठ बोल रहे हैं यहां उच्चारण अ आ रहा है, जैसे अगर ठ को हम तोड़े तो ठ हलंत जोड़ अ, तो ए वाला अ इधर से देख रहे हैं वही वाला है आ इधर वो है, तो ये दोनों मिलके ओ बनेगा, तो इसका उच्चारण स्थान हम बोल सकते हैं कंठ कंठोष्ठ, इस तरह से कहीं कहीं कंठोष्ठ लिखता है वो गलत से पुस्तक में छपा हुआ रहता है, कंठोष्ठ होगा कंठोष्ठ। तो ये देखें ओ, ओ को भी लिखेंगे ओ, जानेंगे कि स्थान क्या होगा उच्चारण स्थान, तो अ जोड़ ओ ओ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं आ जोड़ो, ठीक उसी तरह से अ कहिए चाहे आ कहिए, दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, तो कंठ कर दिए। ओ का भी हम लोग जाने कि ओ का उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ट दोनों है कंठोष्ट, तो हम देख रहे हैं कि कंठ तो इसमें पहले से ही है, ये कंठ है तो यही कहा जाएगा, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठोष्ट। तो स्वर वर्ण में हम लोग देख लिए हैं कि कौन कौन किसका उच्चारण स्थान है, अब देखेंगे अन और एक है अ, अयोगवाही है अन, अन जैसे ही अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान जो होगा नासिका नाक। अह अह जब हम बोलते हैं अह, तो अंत में
ह की और लास्ट में अ की भी ध्वनि आती है अ, तो इसके उच्चारण स्थान जो होंगे कंठ होंगे अ। तो ये भी जो है इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ अ। तो ये तो हम जान गए। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, ये अपने आप उच्चरित नहीं हो सकते हैं, स्वर वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान देख रहे हैं तो देख लेते हैं इसको। तो ये देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। तो देखिए सुविधा के लिए पहले से लिख दिए कि कम समय लगे आपको। तो देखिए ये है कवर्ग, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में क वर्ग। तो जैसी क वर्ग की चर्चा होगी तब क से कंठ और क से कवर्ग, तो जैसे क की बात होगी तो याद रखना है कंठ। कवर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कंठ होगा। एक बात ध्यान देना है कि अगर केवल अंग का पूछे, ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला जो है केवल अंग का पूछे तब नासिका, केवल इसका पूछे तो नासिका, नासिका उच्चारण स्थान होगा, लेकिन नासिका। लेकिन अगर ये पूछे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तब आप बेधड़क कहिए कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। तो जैसे हम आपको बोले थे कि नीचे से ऊपर आप चलेंगे कि कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, इस तरह से जो लिखे थे बताए थे आपको कि आप नीचे से चले कंठ, उसके बाद चलिए तालु, उसके बाद चलिए मूर्धा, उसके बाद चलिए दंत, उसके बाद चलिए ओष्ठ, उसके बाद चलिए ये नासिका। तो देखिए यहाँ कंठ से हम शुरू कर दिए, तो कंठ के बाद क्या आता है चवर्ग। चवर्ग तो देखेंगे कि कंठ के ठीक बाद तालु, यानी चवर्ग जो होगा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तालु तालु का है ये जो जीभ के जो निचली भाग कह लीजिए, उसमें नीचे की ओर जीभ पुश करता है, ठीक मूर्धा के पहले वाला भाग, तो ये चवर्ग है। ये च छ ज झ य, अगर चवर्ग पूछे कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तब तालु, लेकिन केवल पूछे इससे का, तो केवल इसका पूछेगा तो नासिका, ये केवल पूछेगा तो नासिका, ये केवल पूछेगा तो नासिका, और ये केवल पूछेगा तो भी नासिका, सॉरी माँ अगर पूछे ऐसा वोस्ट में है, लेकिन नासिका पंचम वर्ण को माना जाता है नासिका, उसका उच्चारण स्थान इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो केवल पूछेगा तब, ऐसे माँ जब बोलेंगे तो ऐसे इसका उच्चारण स्थान पवर्ग यानी कि वोस्ट पवर्ग में आता है। चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे टवर्ग। टवर्ग ट जैसे बोले ट, तो आपका जीभ का आगे वाला भाग ऊपर टच करता है मूर्धा में, जीभ से ठीक थोड़ा पहले ऊपर की सतह में टच करता है ऊपरी जबड़ों में, तो ये जो है टवर्ग इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। तो परीक्षा में ऐसे पूछ दे कि ड का उच्चारण स्थान, तो बोल के देखेंगे कि आपका जीभ कहाँ जा रहा है और उसी से पकड़ना है आपको, तब हो जाएगा।
इसको याद नहीं करना है बल्कि समझना है, आपको ये समझ में आ रही होगी। तो ठीक उसी तरह से बोलेंगे त त थ, तो देखेंगे कि आपका जो जीभ है दांत को स्पर्श करता है, बिना दांत को स्पर्श किए हुए आप त नहीं बोल सकते, थ नहीं बोल सकते हैं, द नहीं बोल सकते हैं, ध नहीं बोल सकते हैं, ये जो भी वर्ण है। एक चीज और, ये जो हम देखते हैं न, तो चूंकि ट वर्ग में है तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट वर्गी न, त वर्ग में ही न है तो इसलिए इसको बोलते हैं त वर्गी न। ये है, चूंकि हमारे समाज में अब उच्चारण को लेकर के बहुत ही आप कह सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण होता नहीं है, जिसके वजह से वर्तनी में दोष हो रहे हैं समाज में, लोग आसान आसान शब्दों को गलत लिखते हैं। चूंकि उच्चारण में गलती होगी तो आप वो शब्दों को भी सही से नहीं लिख सकते हैं, तो शब्दों को सही से लिखने के लिए उच्चारण का शुद्ध होना भी बहुत मायने रखता है, जिसके वजह से हम लोग को भी उस तरह के बचपन से एक होता है कि एक उस तरह का समाज मिला हो कि हर शब्द को शुद्ध से बोलें, या साधारण शब्द को भी, अगर ये सब हो जाए तो व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर समाज संस्कृत भाषा में शुद्ध भाषा में शब्दों को रखे, जिसके वजह से हम लोग भी जैसे छोटे बच्चे कैसे उनको हिंदी थोड़ा ही सिखाते हैं, हिंदी बोलना सीख जाते हैं, पर शब्द जैसे तैसे रहते हैं, पढ़ने के बाद पता चलता है शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। तो खैर, तो त वर्ग में हम जान गए कि इसका उच्चारण था दांत, यानी कि दंत, लेकिन केवल न पूछेगा तो नासिका। प वर्ग, प प जैसे बोलेंगे तो दोनों ओठ टच कर जाएंगे, प फ ब भ, तो देख रहे हैं कि बिना ओठ सटे हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण स्थान है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प कैसा वर्ण है तो बोलेंगे ओष्ठ वर्ण, क्या बोलेंगे ओष्ठ वर्ण। उसी तरह से बोलेगा कि ढ ट ठ माने कि ठ कैसा वर्ण है तो बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण है, तालव्य वर्ण है, ठीक उस तरह से वर्ण का नाम हो जाएगा वैसे। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन य र ल व, बोल के देखेंगे य य य, ये जो है तालु, जीभ की हरकत को देखिए, र र बोलेंगे जीभ ऊपर टच कर रहा है ऊपरी जबड़ों में, यानी कि मूर्धा। ल ल आपका जीभ दांत की ओर जा रहा है, दंत। व व व बोलेंगे तो आपके दांत और ओष्ठ का मिलन हो रहा है, व देखिए बोल करके व, तो ये दंतोष्ठ, दंत जोर ओष्ठ, दंत हाँ जोड़ ओष्ठ। तो देखिए दंत का अगर इसको बोलेंगे तो अंत में अ की ध्वनि और इधर ओ है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा अ, तो इसको कह सकते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ या दंत और ओष्ठ ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अब ये देखेंगे सुविधा के लिए, ये देखिए यह का उच्चारण साल तालु, तो ये भी है तालाब स, ऐसे ही बोलते हैं तालाब स, यानी कि इसका उच्चारण तालु से होगा। इर है र, र बोल रहे ऊपर टच हो रहा है जीभ मूर्धा में, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, तो इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धन्य। ल इसका उच्चारण स्थान दंत, तो इसका उच्चारण भी दंत, इसीलिए इसको बोलते हैं दंती स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसको बोलते हैं तालव्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब यहाँ आएंगे ह, ह ह जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है,
जैसे कि आपको बोलने से पता चल रहा होगा हा, तो यहाँ पे आपको कंपन हो रहा है, झंकार टाइप के एक तरह से। तो ये आप देख लीजिए कंपन आवृत्ति यहाँ उत्पन्न होती है। तो ये आसान ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यह वाला जो रहेगा वो इसके सामने रहेगा, यह तालु तो सभी तालु, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हो गए, ये है उच्चारण स्थान, ये समझना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आमतौर पूछता नहीं है पर समझ लेंगे हम लोग। जैसे छ का उच्चारण स्थान हो सकता है नहीं दिए हो पर हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अगर शुद्ध उच्चारण इसका किया जाए तो हम जानते हैं कि इसका निर्माण इससे हुआ है, क हलंत और मूर्धन्य ष से। तो इसका उच्चारण करने में भी आपको कंठ की जरूरत पड़ेगी प्लस में मूर्धा। अगर शुद्ध उच्चारण अगर आप करते हैं तो बिना इसके सहयोग से शुद्ध उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से इसको समझें, त्र त हलंत जोड़ र, त त ये दंत हो जाएगा और ये र मूर्धा। त्र का अगर उच्चारण करना है त्र, तो दंत का भी जरूरत और मूर्धा की भी जरूरत, यानी कि दंत उच्चारण स्थान भी होगा और मूर्धा भी, ज्वाइंट मतलब संयुक्त रूप से। और ये है ज्ञा, ज जोड़ इ, ज का उच्चारण देखिए, च छ बोल रहे थे, च तालु देखिए, च यहाँ पे च कर रहे हैं, च ज, ये ज देखिए तालु है, तो ये हो जाएगा तालु। और ये जो है ये नासिका, ऐसे हम देखेंगे कि ये और ये एक ही में है, तो खाली तालु से नहीं काम चलेगा, क्योंकि बोले कि लास्ट में जो है नासिका का भी उच्चारण होता है, तो आप इसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? नाक की जरूरत पड़ती है नासिका की, और उसी तरह से स्र स हलंत जोड़ र, तो ये तालाब स है, इसका हो जाएगा तालु, पूरा तालु, चूंकि ध्यान देना है र मूर्धा, चूंकि पूरा हिस्सा नहीं है, हाफ पे ही जा करके, इसीलिए मुश्किल होता है शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना, इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने देखा कि उच्चारण स्थान जितने भी वर्ण हैं, और अगर आपको और किसी तरह से भी हो व्यंजन वर्ण जो मिले हुए वर्ण हो, तो आप इस तरह से उसको खोज करके निकाल सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं कि कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलता है, जैसे विद्यालय हम लिखते हैं तो द जोड़ य है, अगर इसका उच्चारण स्थान अगर पूछते तो सोचेंगे कि द और य आधा द है, तो भी दंत के पास द जाना होगा और यह है तालु, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। ये हम जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी इस तरह से मिले हुए व्यंजन हो। तो हम लोगों ने देखा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कैसे होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आप सबों का धन्यवाद। आगे हम लोग दूसरे विषय वस्तु के साथ आएंगे। धन्यवाद।